नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। बालाघाट जिले के ग्राम सोनखार के 6 श्रमिकों को लगभग 3 माह पूर्व गन्ना कटाई के लिए महाराष्ट्र राज्य के परभणी ले जाया गया है। इन श्रमिकों को वहां पर बंधक बनाकर रखा गया था और उन्हें वापस नहीं आने दिया जा रहा था। इन मजदूरों से वहां पर गन्ना कटाई का काम कराया जा रहा है, लेकिन उन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा था। मजदूर अपने गाँव वापस आना चाहते थे, लेकिन उन्हें वापस नहीं आने दिया जा रहा था। ये जानकारी जब मध्य प्रदेश शासन के आयुष और जल संसाधन राज्य मंत्री श्री राम किशोर नानो कावरे तक पहुंची, तो उन्होंने जिला प्रशासन को इस संबंध में कार्यवाही करने के लिए कहा। इस पर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने श्रम निरीक्षकों को ग्राम सोनखार भिजवाकर मामले की तस्दीक करवाई और जब पुख्ता प्रमाण मिल गया कि ग्राम सोनखार के ही श्रमिकों को परभणी में बंधक बनाकर रखा गया है, तो उन्होंने वहां के जिला प्रशासन से संपर्क कर बंधक श्रमिकों को मुक्त कराने के लिए कार्यवाही करने को कहा है। देखिए, इन लोगों को गन्ना कटाई के लिए परभणी ले जाया गया था और जो ठेकेदार के बीच में उन्होंने इनको परभणी ड्रॉप किया, वहाँ के ठेकेदार ने फिर किसान के यहाँ इनको लगाया। इनको ये बोल के ले जाया गया था कि 450 रुपये पर डे के हिसाब से इनको मजदूरी मिलेगी, लेकिन वहाँ पे इनको टन के हिसाब से सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक काम कराया जाता था और इनको 200 के आसपास मजदूरी दी जाती थी। खाना वाना भी नहीं मिल रहा था। हमें जो है पार्वती करके एक लेडी है, उनके माध्यम से जिला प्रशासन को सूचना मिली कि साहब हमको यहाँ से निकलवाइए, हमको परेशान किया जा रहा है, हमको आने नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो पूरा मामला था, हमारे संज्ञान में आने के बाद हम लोगों ने जिला प्रशासन परवनी से बात करके वहाँ के तहसीलदार और वहाँ के TI इन लोगों से कोऑर्डिनेट किया, यहाँ से टीम भिजवाई, इनको मुक्त कराया गया। और जो इसमें से 6 लोग जो है यहाँ आए सोनखार के हैं और FIR वहाँ पे दर्ज कराई गई जिला प्रशासन के द्वारा। जो ठेकेदार थे उन पे भी, जो किसान लेके गए हैं गलत बोल के, उनके ऊपर भी कराया गया है और साथ ही साथ इनको 30,000 रुपये तत्कालिक सहायता रेड क्रॉस से अभी दी गई है और इनका केस जो ट्रायल खत्म होगा, अगर वो लोग कन्विक्ट होंगे तो 1,00,000 रुपये हर मेंबर को मिलते हैं 15 मजदूर। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जिला प्रशासन ऐसे सभी ठेकेदारों को इनलिस्ट किया कराए, जो पंचायत में इंटर स्टेट माइग्रेशन में लोगों को लेके जाते हैं। हमारा अगला स्टेप रहेगा कि हम उन लोगों को लाइन लिस्ट करके उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कराएं। सर, लगातार ऐसे मामले बालाघाट में आ रहे हैं, इसके पहले भी आए थे, इस पर कुछ अंकुश लगाने के लिए प्रयास करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे हम लोगों ने ये बात महाराष्ट्र के जिला प्रशासन के साथ भी, जो बॉर्डर के हैं चाहे गोंदिया हो भंडारा हो, उनके साथ भी ये इशू उठाया है। बहुत हद तक जो हमारे यहाँ के गाँव के लोग हैं, ये तो इनकी लाइन लिस्टिंग हम करा रहे हैं, लेकिन जो हमारे बॉर्डर के ठेकेदार हैं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए कंपलसरी है कि उनका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जो है पोर्टल पर होना चाहिए, क्योंकि वो जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को लेके जा रहे हैं, दूसरी जगह लगाएंगे। तो जिला प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि हम लोग इस पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे।